नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों आज दिन है शनिवार का, थोड़ा सा फुर्सत का समय है, बाजार है बंद, लंबा वीकेंड है यानी कि छुट्टियां 2-3 दिन की हैं, तो इन छुट्टियों का फायदा उठाया जाए और आपको कुछ जरूरी काम की बातें बता दी जाएं। अगर आप शेयर बाजार में काम करते हो तो दोस्तों कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, यानी कि अगर आप शेयर बाजार से पैसा कमाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि अमूमन बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि सर हम तो कुछ कमा ही नहीं पाते, चाहे तेजी हो चाहे मंदी हो, बाजार ने हमेशा हमें नुकसान दिया है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, इस बाजार में बहुत से लोग सक्सेस हुए हैं, बहुत सी सक्सेस स्टोरी है इस बाजार में, लेकिन वो लोग सक्सेस ऐसे नहीं हुए, उन्होंने बहुत कुछ जाना सोचा समझा है तब जाके वो सक्सेस हुए हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही काम की बात बताऊंगा जो आने वाले समय में अगर बाजार में तेजी कायम रहती है जैसा कि मुझे उम्मीद है तो डेफिनेटली वो फायदेमंद होगी आपके लिए। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर इस बाजार में आप निवेश कर रहे हो तो हर चीज को सोच समझ के निवेश करो, यानी कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो निवेश करने से पहले जाननी जरूरी है। जैसे मैं आपको एक मुहावरा या कहावत बताता हूं कि सारे के सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए, यानी कि डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन सिंगल वन बास्केट, यानी कि सभी अंडे, अगर आप अंडे लेने जा रहे हो और सारे के सारे अंडे आपने एक ही टोकरी में रखे और वो टोकरी गिर गई तो क्या होगा, आपके सारे अंडे फूट जाएंगे। इस कहावत का जो अर्थ ये निकलता है दोस्तों, ये कहावत मैंने शुरू में इसलिए कही, इस कहावत का अर्थ बहुत सटीक है। आप अपने पोर्टफोलियो को जो बना रहे हो, ऐसा ना हो कि आप सारा का सारा पैसा एक ही सेक्टर में लगा दो और कोई भी एक बैड न्यूज आ जाए तो वो पूरा का पूरा सेक्टर धड़ाम। अभी कुछ दिन पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सरकार ने आयरन ओर पे और स्टील पे एक्साइज ड्यूटी लगाई थी और देखिए क्या हालत हो गई थी, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, यहां तक कि हमारा गोदावरी पावर भी धड़ाम हो गया था, आधा हो गया था। तो कभी भी सारा पैसा, पहली चीज, एक साथ आपको सेक्टर में नहीं लगाना है। ये चीज नए निवेशकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, हर एक पैसा अलग अलग अपने पोर्टफोलियो अगर आप बना रहे हैं तो उसको डाइवर्सिफाइड करिए, कुछ पैसा मेटल में लगाइए, कुछ पैसा फार्मा में लगाइए, कुछ पैसा FMCG में लगाइए, कुछ पैसा हेल्थ केयर में लगाइए, कुछ पैसा साहब आप अलग अलग सेक्टर में लगाइए और जैसी वर्ल्ड इकोनॉमिक कंडीशन हो अपना पैसा वहां ज्यादा लगाइए। बताता हूं कैसे। अगर मान लिया इस जैसे अभी के हालात चल रहे हैं, हालात कैसे हैं आप जानते हैं, रशिया यूक्रेन के कारण किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई, फर्टिलाइजर और फूड की शॉर्टेज हो गई। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपना जो स्टेक है वो कहां इंक्रीज कर दिया, साफ फर्टिलाइजर और फूड में कर दिया, यानी कि और जगह पैसा हम लोग कम लगा रहे हैं, लगा रहे हैं लेकिन कम लगा रहे हैं, इधर हम पैसा ज्यादा बढ़ा रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक स्टॉक दिलाया था GSFC और अभी कल परसों मैंने आपको एक स्टॉक दिलाया कावेरी सीड्स, ये सब इसके पीछे कारण है दोस्तों। तो इस तरह अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करिए, हर चीज सोच समझ के निवेश करिए, स्टॉक की वैल्यूएशन देखिए, कंपनी बनाती क्या है उस चीज पे फोकस करिए, उसकी डिमांड है भी नहीं है, मंदी आए तेजी आए कंपनी के प्रोडक्ट को साफ इफेक्ट ना कर पाए। कंपनी जो बनाती है चाहे बाजार में मंदी हो चाहे बाजार में तेजी हो, कंपनी का प्रोडक्ट साफ बिकना ही चाहिए, यानी कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। अब जब कंपनी के पास सेल्स ही नहीं होगी, चाहे तेजी आए चाहे मंदी आए, तो उसका स्टॉक कैसे ग्रो करेगा मेरे भाई। कंपनी के पास देखो पैसा कितना है, उसका रिजर्व देखो, ग्रोथ स्टोरी जानो, डेब्ट देखो, जो डेब्ट होता है मान लिया कंपनी के पास कर्जा है वो कम होता हुआ आ रहा है नहीं आ रहा है, कंपनी का कर्जा अगर कम होता हुआ आ रहा है इससे कंपनी की नीयत का पता चलता है कि कंपनी का मैनेजमेंट देने की नीयत रखता भी है नहीं। मान लिया आप कंपनी में पैसा लगा रहे हो, मैनेजमेंट की नीयत देने की है नहीं, उन्होंने पहले ही अपना कर्जा नहीं दिया, आपको कैसे रिटर्न दे देगा। ये चीज बताती है ROC और ROE, इन चीजों को भी देखा करो, जाना करो, समझा करो। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं दोस्तों जो आपको आगे इस बाजार में सफल कराने का दम रखते हैं।
टेक्निकल चार्ट्स भी आप पूरे देखो, समझो, जानो आरएसआई क्या होता है, एमएसईडी क्या होता है, कैसे गैप छूटते हैं, कैसे गैप फिलअप होते हैं, हिस्टोग्राम कैसे है, बोलेंजर बैंड में क्या क्या होता है, किस तरह तीन लाइन काम करती हैं, इन चीजों को भी जानो समझो। लेकिन एक चीज पे पूरी डिपेंड, यानी कि मतलब सब कुछ आप टेक्निकली चार्ट पे भरोसे रहोगे तो वो भी ठीक नहीं है। आप सोचोगे मुझे सब कुछ आता है, 100% में 100% में ज्ञाता हूं इस शेयर बाजार का, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन दोस्तों शायद आप कोई चीज छोड़ रहे हो, शायद आपकी आपको हर चीज आती हो लेकिन वो नॉलेज सिर्फ 99% हो, 1% फिर भी छूटता है, और वही 1% आपको दिक्कत करता है, वो 1% होता है बिहाइंड द स्क्रीन। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इस बाजार को प्रभावित करती हैं बिहाइंड द स्क्रीन, स्क्रीन के पीछे से, उस चीज को भी आपको समझना और जानना जरूरी है। जानो एफआईआई क्यों बाइंग कर रहे हैं, सोचो डीआईएस क्यों सेल कर रहे हैं, सरकार की रणनीति क्या है। समय समय पर मैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम चैनल पे आपको बताता रहता हूं कि सरकार की रणनीति क्या है, कितने इस समय हमारे डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, बाजार में तेजी का कारण इस समय क्या है, एफआईआई की बाइंग जो आ रही है क्यों आ रही है, मंदी की बातें चल रही हैं इधर एफआईआई खरीदारी कर रहे हैं, भारत देश पे भरोसा है, भारत में मंदी की संभावना कम नजर आ रही है, इस वजह से वो खरीदारी कर रहे हैं। डीमैट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ने कोरोना काल की शेयर बाजार की रिटर्न देखी है, इस वजह से उनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, यही बाजार को बूस्टर प्रदान करेगी। म्यूचुअल फंड में दबा के पैसा आ रहा है, ये डीआईएस के थ्रू बाजार में जा रहा है, कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है। भाई कंपनियों के पास म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा आ रहा है तो वो अपनी कैपेक्स पावर को बढ़ाएंगे, इन चीजों को भी समझना चाहिए। कैपेक्स मतलब होता है खर्चा करेंगे, एक फैक्ट्री है तो दूसरी भी लगाएंगे। तो ये एक छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक कंडीशन क्या कह रही है, क्रूड अगर हमें दिक्कत परेशानी कर रहा है तो सरकार उसके लिए क्या काम कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल। अगर क्रूड इन्फ्लेशन का मेन कारण है तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार भी पूरी प्रयासरत है कि महंगाई कम हो। आरबीआई, अभी कुछ दिन पहले साहब आरबीआई ने क्या कहा कि भैया ज्यादातर कारोबार हम रुपीज में करेंगे, लो डॉलर आना था नीचे, खरीदना था एफआईआई को माल। तो इन चीजों को दोस्तों सोचना और समझना चाहिए, और भी बहुत बारीक से बारीक चीजें हैं, वो मैं आपको अपनी क्लास में डिस्कशन करता रहता हूं, समय समय पर बताता रहता हूं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको क्लास में जुड़ के ही सीखने पड़ेंगे। आप सोचते हो क्यों खाबाखा पैसे खर्च करें, अरे भाई इतना पैसा नहीं है, इतने पैसे तो आप लॉस में उड़ा देते हो जितनी मेरी फीस भी नहीं है, मेरी तो बहुत मामूली और नॉमिनल, मेरे ख्याल से बिल्कुल ही ना मात्र फीस है, सिंपल सी फीस है। बहुत से लोग कोर्स करके फायदा उठा रहे हैं, नंबर दे दूंगा आपको, अगर पूछोगे नंबर दे दूंगा, उनसे बात करो, और अच्छे खासे पोस्ट पे है वो इस समय, अच्छे खासे पोस्ट पे, जिन्होंने क्लास लिए और अच्छा खासा मेरे ख्याल से वो बाजार से पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सीखा। जो गलती आप आज कर रहे हो वो पहले वो करते थे, लॉस करते थे, लेकिन सीखने के बाद वो डेली कमा रहे हैं। अरे डेली नहीं तो 60-70% का अगर सक्सेस रेशियो भी है तब भी गनीमत है। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें होती हैं इस बाजार में, उन चीजों को समझना जानना जरूरी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि साहब मुझे सब कुछ आता है, लेकिन याद रखो हर बंदा कुछ ना कुछ 1% जरूर उसके अंदर कमी होती है। मैं ये अगर मैं अपने आप को कहूं तो मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ जरूर एक आधी कमी ऐसी होगी जो बाजार में मुझे 60-70% का सक्सेस रेशियो तक ही सीमित रखती है। 30% क्यों नहीं हो पाता, मैं इसी पर अध्ययन करता हूं, मैं भी तो 100% सक्सेस चाहता हूं कि मेरी जो सक्सेस रेट है 60-70%, ये 100% क्यों नहीं होती, 30% में गलत क्यों नहीं होता, वो सॉरी सही क्यों नहीं होता। तो इसी पर साहब मैं अध्ययन करता रहता हूं दिन रात, एक दिन मुझे आप यकीन नहीं करोगे, मेरा ज्यादातर समय इन्हीं अध्ययन में बीत जाता है, इन्हीं की रिसर्च में, पढ़ाई में बीत जाता है, शेयर बाजार की पढ़ाई, हर चीज को समझने जानने की कोशिश करता हूं। तो इन चीजों को समझो, बाजार में जो आने वाली तेजी है उसका फायदा उठाओ, बाजार में तेजी रुकेगी नहीं। आप अगर सोचो आरएसआई बहुत ऊपर है, बहुत हीट हो चुका है, या फिर आपका
जो गैप है वो छूटे हुए हैं, वो चीज ऑपरेटर पे छोड़ दो मेरे भाई, वो तो एक दिन में फिलअप कर देगा, आरएसआई को एक दिन में ठंडा कर देगा, छोड़ दो उसे, रेट वहीं के झूंगे तू रहेंगे। कंपनियों को पता है अगर हमने रेट सस्ते कर दिए, पब्लिक साहब सस्ते रेट पे हमारे शेयर उठा लेगी, क्यों करेंगे पब्लिक कंपनी अपने रेट सस्ते, नहीं करेंगी। क्यों नहीं गिर रहे शेयर, इसलिए नहीं गिर रहे। रिलायंस क्यों नहीं गिर रहा, इसलिए नहीं गिर रहा। एचडीएफसी क्यों नहीं गिर रहा, इसलिए नहीं गिर रहा। इंफोसिस इसलिए नहीं गिर रहा। अब आपको कोई बाद में गिरेगा, बाद में क्यों गिरेगा, जब एफआई बाइंग कर रहा है, ये तो और ऊपर जाएंगे। इन चीजों को समझना चाहिए, जानना चाहिए, और फिर बाजार में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये वीडियो बहुत काम की है, इसको साहब ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो, जो आपके परिचित है, जानकार है, जो जिनसे आप स्नेह करते हो, उनको बताओ कि कैसे इस बाजार में सफल हुआ जाता है। किसी को भी फॉलो करो, कोई भी आपका इंस्पिरेशन हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप मेरे थ्रू हो, मेरे से हो आप अगर जुड़े हुए तो बहुत अच्छी बात है। और जिसको भी आप अच्छा लगता है उसको भी फॉलो करो, उसकी बातें सुनो। हर पर्सन रेस्पेक्टेबल होता है, हर पर्सन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए जो भी है। तो इन चीजों को सोच के समझ के बाजार में निवेश करो। मैं तो यही चाहता हूं कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो, आप खूब पैसा इस बाजार से कमाओ। याद रखना, बाजार में जो तेजी है वो बहुत ऊपर तक जाएगी, यानी कि अभी ये तेजी रुकने वाली नहीं है दोस्तों। और शेयर बाजार के थ्रू ही सरकार बहुत सारी चीजों का कायाकल्प करने पे लगी हुई है, यानी कि शेयर बाजार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है आने वाले कुछ समय में। इस चीज को ध्यान रखिए, शेयर बाजार की बारीकियों को समझिए और बाजार में निवेश करिए। ट्रेडिंग भी सोच समझ के करिए, कोई भी चीज को करने से पहले उसको सीखिए, जानिए, तब कुछ चीज करिए, वरना निवेश करिए। इस बाजार में निवेश भी साहब आपको बहुत और शानदार जानदार रिटर्न देने का दम रखता है। इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।